हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस पलंस लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे थे और इसमें हम लोगों ने अभी मॉर्निंग में ही एयर मास के बारे में बात किया हुआ है। इसके अलावा अभी हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और फटाफट फ्रंट को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग कल डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन को लेकर के। प्रेसिपिटेशन बारिश कितने तरीके की होती है एंड ऑल दैट, ये सब हम लोग कल देखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस ट्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब, प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। फ्रंट के बारे में फटाफट अगर बात करें तो हम लोगों ने सुबह अभी मॉर्निंग में बात किया हुआ है एयर मासेस को लेकर के। अब सीधी सी बात है, एयर मास दो तरीके के होंगे। एक होगा जो वार्म एयर मास होगा, मतलब कि जहां पर गर्म इलाके से आ रहा होगा तो ये वार्म एयर मास बनेगा, और दूसरा वही कोल्ड एयर मास बनेगा जहां पर ये ठंडे इलाकों से आ रहा होगा। तो जब भी ये ठंडे इलाके से और गर्म इलाके से जो एयर मास आती है और जब एक दूसरे के साथ ये इंटरैक्ट कर रही होती है तो इंटरैक्ट करने के कारण से एक स्पेशल ज्योग्राफिकल फिनोमिना बनती है और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फ्रंट। अब ये मान लेते हैं कि वार्म एयर मास है, ये मान लेते हैं कि कोल्ड एयर मास है, ठीक है। वार्म एयर मास की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसकी खुद का प्रेशर, उसका खुद का टेम्परेचर, उसका खुद की ह्यूमिडिटी वगैरह होगा, दिस इज द थिंग। सिमिलरली यहां पर भी अपना प्रेशर होगा, अपना टेम्परेचर होगा और इसी तरीके से यहां पर भी ह्यूमिडिटी होगी। जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरीके का एक जोन बीच में क्रिएट हो जाएगा जो बेसिकली ट्रांजिशन फॉर्मेट में होगा, दिस विल बी ट्रांजिशन। अभी ट्रांजिशन क्या होगा, इस ट्रांजिशन का मतलब होगा कि यहां पर प्रेशर का एक ग्रेडियंट बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वार्म है तो ये लो प्रेशर पे होगा, ये हाई प्रेशर पे होगा, ऑब्वियसली ये इन दोनों के बीच में यहां पर एक ग्रेडियंट बन रही होगी जो प्रेशर को मेंटेन कर रही होगी, प्रेशर में आपस में एक इक्विलिब्रियम बना रही होगी और इस कारण से यहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गई होगी। इसी तरीके से यहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट भी तैयार हो जाएगा और इन सब चीजों के कारण यहां पर मॉइस्चर में चेंज आएगा और अल्टीमेटली इस मॉइस्चर में चेंज आने के कारण ह्यूमिडिटी के बढ़ जाने के कारण से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंडेंसेशन हो जाए, यानी कि बारिश हो जाए। इन सबसे एसोसिएटेड क्लाउड्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से क्लाउड्स होंगे। हालांकि हम लोगों ने क्लाउड के बेसिक डिस्कशन अभी नहीं किया है, तीन लेवल पे क्लाउड्स होते हैं, उन सारे क्लाउड को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल को हम लोग क्लाउड से रिलेटेड भी यहां पर कंडीशन वगैरह देख लेंगे कि क्या कंडीशन बन पा रही है। तो ये होती है बेसिकली एक फ्रंट का, एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रंट जो होंगे वो एक बात तो श्योर है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एयर मास के साथ बनेंगे और इसी कारण से फ्रंट आर टिपिकल फीचर ऑफ मिड लैटिट्यूड वेदर। क्यों? क्योंकि यहीं पर वार्म और कोल्ड एयर मास का इंटरैक्शन हो पाएगा। ये रीजन जो होता है टेम्परेट रीजन होता है, 30-65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाया जाता है। दे आर वेरी अनकॉमन, एक्चुअली ये नॉर्मली मिलते नहीं है ट्रॉपिकल और पोलर एरियाज में, क्योंकि यहां पर ग्रेडियंट वाली कंडीशन नहीं बन पाती है। ट्रॉपिकल एरिया में देखेंगे तो यहां पर गर्मी काफी ज्यादा होती है और इस कारण से जो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सिमिलरली पोलर रीजन में भी सेम कंडीशन, लेकिन यहां पर कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण से ग्रेडियंट नहीं मिल पाता है। फ्रंट जो होती है वो थ्री डिमेंशनल बाउंड्रीज होती है, जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं एयर मास भी हमारी थ्री डिमेंशनल एक एयर का बंडल होता है। और ये देखिए यहां पर ये जो बेसिकली बना हुआ है बीच में, मैं ये जो बना रहा हूं यही है वो फ्रंट। तो ये एक थ्री डिमेंशनल बाउंड्री जोन होता है जो कि टू कन्वर्जिंग एयर मासेस के मिलने के कारण से बनता है। यहां पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जा रही होती हैं, जैसे टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट रहेगा, ह्यूमिडिटी का एक ग्रेडियंट रहेगा, डेंसिटी की ग्रेडियंट रहेगी और सिमिलरली प्रेशर का भी ग्रेडियंट रहेगा। द टू एयर मास डू नॉट एक्चुअली मर्ज, दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जिंग एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। कंटिन्यूअसली ये इंटरमिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद ये मर्ज नहीं होती है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन बना देती है, जैसे मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी का सैचुरेट होना, कंडेंस हो जाना और क्लाउड का फॉर्मेशन कर देना। तो इस तरीके से दे बेसिकली
मूव रिलेटिव टू ईच अदर एंड लो डिफ्यूजन कोफिशियंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं जिसके कारण से मिक्सिंग होने के बजाय क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें फ्रंट फॉर्मेशन को लेकर के, तो ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों को एयर मासेस का इंटरेक्शन बताया है। तो यहां पर फ्रंट के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होती है उनको हम लोग दो फॉर्मेट में करते हैं। एक होती है जहां पर फ्रंट फॉर्म हो रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, ये हो गई फ्रंटोजेनेसिस। और फ्रंट जब खत्म हो जाता है, मतलब कि मिक्सिंग या फिर कह लीजिए कि जो वार्म एयर मास है वो निकल गया कोल्ड एयर मास, क्योंकि देखिए यहां पर होगा क्या, ये मान लेते हैं कि वार्म एयर मास है और इधर से मान लेते हैं कि कोल्ड एयर मास आ रहा होगा, तो आपस में कभी भी ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी दोनों की अलग है। वार्म एयर मास सीधी सी बात है कि ये ऊपर ट्रेवल कर जाएगा और कोल्ड एयर मास सीधी सी बात है नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा नीचे? क्योंकि सीधी सी बात है ये डेंस है, भारी है, और जबकि ये वाला लाइट है, हल्का है, ऊपर निकल जाएगा। निकलने के कारण ही ऑब्वियसली बीच में ये जो जोन होगा वो एक फ्रंट के फॉर्मेशन का होगा और यहां पर ये बेसिकली फ्रंटोजेनेसिस प्रोसेस हो जाएगी। इसके कारण से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज वाली या फिर क्लाउड फॉर्मेशन के कारण से रेनफॉल वगैरह हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब ये स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, स्टेबल पोजीशन का मतलब कि वार्म एयर मास कंप्लीटली ऊपर निकल गई है और कोल्ड एयर मास कंप्लीटली नीचे आ गई है, तो ये जो स्टेबल कंडीशन अचीव हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंटोलिसिस, मतलब कि अब जो है एयर मासेस स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो द फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस और डिसिपेशन जो होती है वो फ्रंटोलिसिस कहलाती है। तो आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या बातें हम लोग कर रहे हैं। फ्रंटोजेनेसिस जो होती है वो दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस को कन्वर्ज करती है, इन्वॉल्व करती है, एंड अल्टीमेटली दे ओवरराइड टू वन अनदर एंड अल्टीमेटली क्रिएट अ फॉर फ्रंट। नदन हेमिस्फीयर में जो फ्रंटोजेनेसिस होती है, दिस एक्चुअली हैपेंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होती है। देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है, समझते हैं। देखिए ये हमारा मान लेते हैं कि कोल्ड फ्रंट है, तो कोल्ड फ्रंट होगा तो सीधी सी बात है ये हाई प्रेशर पे बना होगा। सिमिलरली यहां पर अगर मान लेते हैं कि वार्म फ्रंट आ रही है, मतलब वार्म फ्रंट आएगी तो ऑब्वियसली भाई पृथ्वी है, पृथ्वी अपने चारों डायरेक्शन में होगी, तो जब आप यहां पर अर्थ को देख रहे होंगे तो कोल्ड एयर मास ऑब्वियसली इस इलाके से आ रहा होगा और वार्म एयर मास इस इलाके से आ रहा होगा। तो जब आप इसको टॉप व्यू देखेंगे तो आपको बीच में एक सर्कुलर आर्कटिक ओशियन के पास में दिखेगा कि ये कोल्ड फ्रंट जनरेट होकर के बना हुआ है और इसके चारों ओर हमें वार्म फ्रंट दिख रहा होगा, वार्म एयर मास एक्चुअली दिख रही होगी, फ्रंट नहीं। तो ये हाई प्रेशर पे बना होगा और इन सारे इलाकों में लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर और लो प्रेशर बना होगा। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्योंकि ऊपर में आप देखेंगे तो ये जो सर्कल आपको बनेगा वो छोटा बनेगा, क्योंकि ऊपर का स्फीयर, इस स्फीयर का ये जो एरिया होगा वो छोटा सर्कल होगा, जबकि यही इक्वेटर के और उसके आसपास के एरिया जो होंगे वो बड़े सर्कल में होंगे। आपको पता है कि जितनी भी विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है, तो हमने ब्लो करा दिया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरीके से हम लोगों ने ब्लो करा दिया। ब्लो कराने के बाद क्या होगा कि अब इसमें हम लोग लगाएंगे कोरियोलिस फोर्स, और हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स विंड को अपने राइट डायरेक्शन में मूव कराती है। करा दीजिए विंड को राइट डायरेक्शन में मूव, इधर हो गया, 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 और इस तरीके से आप देख सकते हैं राइटवर्ड मूवमेंट, यानी कि एक आपको घुमाव देखने को मिला एंड दिस घुमाव इज एक्चुअली व्हाट, दिस घुमाव इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एक्चुअली इट इज क्लॉकवाइज ना, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन जो होती है वो क्लॉकवाइज बन रही होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो देखिए यहां पर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां पर निकल करके आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यहां पर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास हैपन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नो एक्चुअली इट इज क्लॉकवाइज है, ठीक है, यहां पर बदल लीजिएगा आप, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट के कारण से आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया।
मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस। ये जितने भी टेम्परेट साइक्लोन हम लोग अभी आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये इसी कारण से होता है। आगे अगर बात किया जाए फ्रंट फॉर्मेशन को लेकर के ही, यहां पर कलर को फटाफट चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे तो द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इन्फ्लुएंस द थिकनेस ऑफ द फ्रंटल जोन। जो हम लोगों ने अभी देखा है ये हमारी वार्म एयर मास आ गई थी, यहां पर कोल्ड एयर मास आ गई थी एंड देन यहां पर फ्रंट जो बने हुए थे, इन दोनों के बीच में यहां पर थिकनेस कितनी ज्यादा होगी इट ऑल डिपेंड्स कि इसकी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट कितना ज्यादा है। अगर ये ग्रेडियंट काफी अगर ज्यादा निकल के आ गया तो ये यहां पर बीच में जो फ्रंट बना है उसकी थिकनेस मोटाई भी काफी ज्यादा रहेगी। तो इट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैटर। टू एयर मास विद हायर टेम्परेचर डिफरेंस डू नॉट मर्ज रीडली एंड दैट इज वाई द फ्रंट फॉर्म इज लेस थिक। तो इस तरीके से यहां पर चीजें हो जाएंगी। व्हेन अ सडन चेंज इन टेम्परेचर थ्रू अ फ्रंट देर इज अ चेंज इन प्रेशर ऑल्सो एंड दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट। जो फ्रंट एक्सपीरियंस करता है विंड शिफ्ट एंड दिस विंड मोशन इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स, जिसको कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्चुअली डिपेंड करेगी कि मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर में कितना है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा एक तो प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा उतना ही ज्यादा ये थिक फ्रंट बनने वाला है। इसी तरीके से टेम्परेचर का एक कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, टेम्परेचर का एक डिफरेंस मिलना चाहिए। सिमिलरली ह्यूमिडिटी का भी एक अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट मिलना चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि हमें रेनफॉल भी अच्छी खासी देखने को मिल जाए। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं फ्रंट के टाइप कितने होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग फ्रंट के चार टाइप देखते हैं, फोर टाइप ऑफ फ्रंट दिखते हैं हमें। एक होता है जिसको हम लोग स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं, जिसको कि हम लोग अभी देखने ही वाले हैं। दूसरा होता है जिसको कि हम लोग कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। तीसरा होता है जिसे हम लोग वार्म फ्रंट बोलते हैं। और चौथा होता है जिसे हम अक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं, अक्लूडेड। ठीक है, ऊपर के जो तीन है ये एक्चुअली फ्रंटोजेनेसिस प्रोसेस के अंतर्गत आ जाते हैं, फ्रंटोलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत आ जाती है हमारी अक्लूडेड फ्रंट। यानी अक्लूडेड फ्रंट फ्रंट खत्म होने के जस्ट पहले का सीन होता है, ये आप कह सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं एक एक करके। पहले फ्रंटो मतलब स्टेशनरी फ्रंट के बारे में देख लेते हैं। तो स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है, व्हेन द सरफेस पोजीशन ऑफ अ फ्रंट डज नॉट चेंज व्हेन द टू फ्रंट आर अनेबल टू पुश अगेंस्ट ईच अदर ड्रॉ और स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म। तो ये रुका हुआ फ्रंट होता है, दे आर नॉट एक्चुअली कोलाइडिंग, दे आर नॉट एक्चुअली पुशिंग ईच अदर। विंड मोशन के बारे में बात करेंगे तो दोनों में पैरेलल चल रही होती है। वार्म और कोल्ड फ्रंट स्टॉप मूविंग और इस वजह से इसे स्टेशनरी फ्रंट बोल दिया जाता है। वंस दिस फाउंड्री रिज्यूम इट्स फॉरवर्ड मोशन, जैसे ही आगे मूव करेगी अगर वार्म साइड होगी तो वार्म फ्रंट बोल दिया जाएगा, कोल्ड साइड होगी तो कोल्ड फ्रंट कह दिया जाता है। क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एक्चुअली यहां पर बन रहे होते हैं। अब ये जितना भी क्लाउड के बारे में है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब हम लोग प्रेसिपिटेशन कर रहे होंगे। बस आप ये ध्यान रखिए क्यूमुलो का मतलब होता है नीचे के लेवल पे होगा और निम्बस का मतलब होता है खतरनाक गर्जना के साथ, मतलब थंडरस्टॉर्म टाइप की चीजें आएंगी। तो जितना बादल का गर्जना सब कुछ होता है वो निम्बस क्लाउड्स में होता है। तो ओवर रनिंग ऑफ वार्म एयर अलॉन्ग सच अ फ्रंट फॉर्म फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। साइक्लोन्स वगैरह भी इसी के पैरेलल में, इसी के साथ ही जो होते हैं वो बन रहे होते हैं और अल्टीमेटली जो है फ्लडिंग कंडीशन बना दी जाती है। देख सकते हैं यहां पर आप कि ये बेसिकली कूल एयर है या फिर कूल एयर मास है और यहां पर ये वार्म एयर मास है। इन दोनों के आपस में यहां पर देखिए एक स्टेशनरी फ्रंट बन गया है, ये देख सकते हैं स्टेशनरी फ्रंट बना हुआ है और यहां पर ये क्लाउड बना हुआ है एंड दिस क्लाउड इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अच्छा खासा थंडर स्टॉर्म, मतलब कि अच्छा खासा गर्जना के साथ में बारिश करेगी, तो अच्छा खासा शोर मचाएगी बादल। नेक्स्ट आती है हमारी कोल्ड फ्रंट के बारे में। कोल्ड फ्रंट के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। तो ये होती है कोल्ड फ्रंट, बीच में इसको कलर कर दीजिएगा और इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड फ्रंट के बारे में। क्लियर हो गया। अब देखिए कोल्ड फ्रंट वो होगा कि वार्म एरिया है, सपोज दिस इज वार्म एरिया एंड कोल्ड एयर मास इज कमिंग। तो ये मान लेते हैं कि कोल्ड एयर मास आ रही है, आपको पता है कि ये डेंस होती है, डेंस रहेगी तो आकर के क्या होगी गिरना शुरू कर देगी। तो इस तरीके का बेसिकली कोल्ड मास हमें, कोल्ड फ्रंट हमें बनते हुए दिखता है। क्लियर हो गया। तो कोल्ड फ्रंट क्या होती है, सच अ फ्रंट इज फॉर्म व्हेन कोल्ड एयर मास रिप्लेस अ वार्म एयर मास बाय
एडवांसिंग इनटू इट और दैट द वार्म एयर मास रिट्रीट एंड कोल्ड एयर मास एडवांस. तो इस तरीके से जो चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड एयर मास. सच अ सिचुएशन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इज अ कोल्ड फ्रंट बन जाती है. कोल्ड फ्रंट मूव अप टू ट्वाइस एज क्विकली एज फ्रंट वार्म फ्रंट, क्योंकि सीधी सी बात है हैवी होती है जल्दी जाएगी. फ्रंटोलिसिस बिगिन व्हेन द वार्म एयर मास इज कंप्लीटली अपलिफ्टेड बाय द कोल्ड एयर. अपलिफ्ट कर जाएगी तभी तो स्टेबल पोजीशन आएगी वार्म एयर के लिए, और कोल्ड एयर जो होता है आगे जाकर के कोल्ड फ्रंट बना देगा. वेदर जो होती है इसके नियर अबाउट में तो नैरो बैंड ऑफ क्लाउडीनेस होती है, हल्की फुल्की प्रेसिपिटेशन होती है, ज्यादा कुछ खास नहीं होती है. सीवियर स्टॉर्म हो सकते हैं ड्यूरिंग द समर. थंडर स्टॉर्म जो है वो बहुत ही कॉमन होते हैं वार्म सेक्टर के लिए. यूएस वगैरह में जो टॉर्नेडोज वगैरह आते हैं वो इसी कारण से आते हैं. दीज प्रोड्यूस शार्प चेंज इन वेदर. टेम्परेचर कैन ड्रॉप मोर देन 15 डिग्री विद इन सिंगल आवर. एक घंटे में ही बहुत अच्छा खासा चेंज देखने को मिल जाता है. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द कोल्ड फ्रंट विच इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट और आ करके ये वार्म एरिया में गिर जा रही है. गिरने के कारण से जो भी यहां पर वार्म एयर होंगी वो अपराइज करना शुरू कर देंगे, और अपराइज होने के कारण से यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अगेन बन जाएगा. और इस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि थंडर स्टॉर्म के साथ में ये रेनफॉल कर देते हैं. यहां पर एक और फिगर आप देख सकते हैं कि कोल्ड एयर मास आ रही है और यहां पर जो होती है वार्म एयर मास है. यहां पर देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना है जो कि अच्छा खासा बारिश करेगा शोर मचाते हुए थंडर स्टॉर्म के साथ. दूसरे लेवल पे एक और बादल बनते हैं जिसको निम्बस स्ट्रेटस कहते हैं. एक्चुअली ये केवल और केवल रेनफॉल करते हैं, ये आवाज नहीं करते हैं. तीसरी होती है जो अल्टो स्ट्रेटस होते हैं, ना तो ये बारिश करते हैं ना तो कुछ करते हैं, ये केवल और केवल आसमान में पड़े रहते हैं. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऊंचाई पे बहुत ज्यादा बादल दिखते हैं तो ये अल्टो स्ट्रेटस होते हैं. सिरस जो होते हैं वो एकदम लास्ट ट्रोपोस्फियर में सिरस क्लाउड्स होते हैं. ये एक कह लीजिए कि रुईट के टाइप के कॉटन टाइप के दिखते हैं आसमान में, बहुत ही दूर दूर तक दिखते हैं. इसमें इनका बारिश से कोई लेना देना नहीं होता है. तो बारिश से लेना देना केवल और केवल निम्बस, निम्बस स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस का ही होता है. आगे हमारी वार्म एयर फ्रंट आती है. तो वार्म का मतलब कुछ इस तरीके से इसको दिखाते हैं गोल गोल. तो ये होती है वार्म एयर मास. इस तरीके से इसको कलर कर दीजिए और यहां पर ये वार्म एयर मास बन जाएगी. कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ये भी मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है कि वार्म एयर मास कैसा दिखता है. तो देखिए भैया ऐसा दिखता है. ठीक है, अब देखिए वार्म एयर फ्रंट कब बनेगा. सिंपल सिंपल वही चीज है. कोल्ड एयर कोल्ड सर्फेस पे जब भी वार्म एयर मास जाएगी तो वहां पर वार्म फ्रंट बना देगी. तो इट इज अ स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस अलॉन्ग विद एक्टिव मूवमेंट ऑफ वार्म एयर और कोल्ड एयर टेक प्लेस. वार्म एयर मास इज टू वीक टू बीट एंड कोल्ड एयर मास. फ्रंटोलिसिस जो होती है वो फ्रंट डिसिपेशन होता है. ये एक्चुअली बिगिन हो रही होती है, शुरुआत हो रही होती है व्हेन द वार्म एयर मास मेक्स वे फॉर कोल्ड एयर ऑन द ग्राउंड. और इस तरीके से कंप्लीटली जो होती है वो जब सिट हो जाती है, बैठ जाती है कोल्ड एयर, तो ये वार्म एयर भी ऊपर निकल जाता है. As the warm air moves up the slope, it condenses and precipitate कर रही होगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा cumulonimbus clouds वगैरह बन जाते होंगे. इस तरीके से आप आगे देखेंगे तो such front cause moderate to gentle rainfall over a large area. जैसे यहां पर हम कह सकते हैं कि जितने भी temperate cyclone के कारण से जो rainfall type की हो रही होती है उसी तरीके से यहां पर भी देखने को मिल जाती है. The passage of वार्म फ्रंट इज मार्क्ड बाय राइज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड चेंज इन द वेदर. सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स यहां पर बन रहे होते हैं. वार्म फ्रंट क्रिएट अ हैलो अराउंड सन एंड मून. और इस तरीके से जैसे बोला था ना कि काले बादल छा गए हैं, वही वाला हाल यहां पर होता है. तो देख सकते हैं कि वार्म एयर आ रही है एंड द सर्फेस इज कोल्ड एरिया यहां पर, और इस तरीके से जो एयर है वो राइज कर जाती है ऊपर की ओर में और इस तरीके का फ्रंट बना देती है. फ्रंट के बारे में बात करेंगे तो देखिए इस तरीके का फ्रंट होता है जब भी आप देखेंगे. तो ये वार्म फ्रंट है, ये हो गई वार्म फ्रंट. और कोल्ड फ्रंट हम लोगों ने कैसा देखा था, इस तरीके से देखा था, गिरते हुए है ये. तो इस तरीके से गिरते हुए होती है और जबकि यहां पर ये राइजिंग टाइप की दिखती है. यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर जा रही है. तो यहां पर देख सकते हैं पहले निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर एल्टो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस एंड अल्टीमेटली जो टॉप लेवल पे होती है वो सिरस क्लाउड्स बन जाती है, जिनको भी अगेन बारिश से कोई लेना देना नहीं होता है. यहां पर हल्की फुल्की जो बारिश होती है प्रेसिपिटेशन, वो निम्बो स्ट्रेटस के कारण से ही हमें देखने को मिलती है.
लास्टली आती है हमारी ऑक्लूडेड फ्रंट. ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब ये होता है कि फ्रंटोजेनेसिस प्लस फ्रंटोलिसिस, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट. तो यहां पर फ्रंट जो होती है वो खत्म भी हो जाती है. तो ऑक्लूजन का मतलब होता है मेट्रोलॉजिकली अ प्रोसेस बाय विच द कोल्ड फ्रंट ऑफ ए रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम कैचेज अप द वार्म फ्रंट सो दैट द वार्म एयर बिटवीन देम इज फोर्स्ड अपवर्ड. Such a front is formed when a cold air mass overtakes a warm air mass and goes underneath it. Frontolysis begin होती है कब? जब warm sector खत्म हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो जाती हैं. तो ultimately हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पर लिखने को बहुत कुछ लिखा हुआ है, but the only thing that you need to focus is warm air mass एक तरफ से आ रहा है, cold air mass एक तरफ से आ रहा है, दोनों interact करेंगे. interact करने के बाद एक जोन बना देंगे और जोन के कारण से ही आपकी फ्रंट फॉर्मेशन होगी. अगर कोल्ड एयर, कोल्ड सरफेस पे वार्म एयर आ रही है तो वार्म एयर मास बन जाएगी, वार्म फ्रंट बन जाएगी. कोल्ड एयर मास अगर वार्म सरफेस पे आ रही है तो वहां पर कोल्ड फ्रंट बन जाएगी और जहां पर दोनों ही हो रही होगी वो अक्लूडेड फ्रंट का फंडा आ जाएगा. डज अ लॉन्ग एंड बैकवर्ड स्विंगिंग अक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म Which could be warm front type or cold front type, इस तरीके से occlusion हो जाती है. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दोनों तरीके की front देखने को मिलती है. It is a mixture of cold front type and warm front type, और ultimately ये एक stable position तक पहुँचा देती है. Formation जो होती है mid latitude इलाके में generally होता है और ये extra tropical cyclone या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं temperate cyclone, हिंदी में इसको शीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है. कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड्स फॉर्म एट फ्रंट एंड वार्म फ्रंट. तो वार्म फ्रंट जो होते हैं ये अल्टीमेटली जो होते हैं इस तरीके से खत्म हो जाते हैं. तो ये देख सकते हैं आप फोटोग्राफ, जहां पर जो होता है कोल्ड एयर आ रही है एंड वार्म एयर आ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है. अब दोनों में वार्म एयर को अल्टीमेटली ऊपर निकल जाना है, कोल्ड को नीचे पहुंचना है. तो इस तरीके से आपस में ये दोनों रिलेटिव मोशन करना शुरू करते हैं. इस रिलेटिव मोशन करने के कारण एक तरफ से कोल्ड फ्रंट बनती है और दूसरे तरफ से वार्म फ्रंट बनती है. तो आप देख सकते हैं कि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट बनना शुरू हो गई है. सिमिलरली कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट अब और स्ट्रांग बनना शुरू हो जाती है और स्ट्रांग बनने के साथ साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ में अक्लूजन करना शुरू कर देते हैं. तो ये एरिया देखिए अक्लूजन हो गया है, जहां पर दोनों फ्रंट एक दूसरे को कंपनसेट कर दिए हैं और अल्टीमेटली वार्म एयर ऊपर से निकल जाती है और कोल्ड एयर नीचे से निकल जाती है और दोनों स्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं. जैसे आप यहां पर देख सकते हैं साइड में एक छोटी सी फोटोग्राफ बनी हुई है कि यहां पर कोल्ड एयर है नीचे, ऊपर नीचे वार्म एयर है, ये लाइट है ऊपर वाली डेंस है. तो इट इज नॉट अ स्टेबल पोजीशन. क्यों? क्योंकि डेंस वाली को नीचे रहना है, लाइट वाले को ऊपर रहना है और इस कारण से इन दोनों के बीच में देखिए रिलेटिव मोशन हो गया. इस रिलेटिव मोशन के कारण से यहां पर आप देख सकते हैं ये बीच में अक्लूजन स्टार्ट हो गया और अक्लूजन के बाद अल्टीमेटली कोल्ड एयर नीचे पूरी तरीके से पहुंच गई है और वार्म एयर पूरी तरीके से ऊपर पहुंच गई है. एंड दिस हैज लेड टू अ स्टेबल पोजिशन ऑफ एयर मास. इसके और भी कुछ तरीके देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि अक्लूडेड फ्रंट यहां पर बन रही है कि वार्म यहां पर है एंड कोल्ड यहां पर है और दोनों एक दूसरे के साथ में अब यहां पर ये इलाका जो होता है अक्लूजन का स्टार्ट हो गया. हल्की फुल्की रेन शावर के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है. सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं कि मैरिटाइम पोलर और यहां पर कॉन्टिनेंटल पोलर और यहां पर अगेन जो होती है हल्की फुल्की रेनफॉल हमें देखने को मिल जाती है. जनरली ये दोनों फोटोग्राफ आपको मिलेगा मिड लैटिट्यूडिनल इलाके में. तो ये नियरली 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के नियर अबाउट में हमें देखने को मिल जाती है. तो इस तरीके का अक्लूजन हमें बेसिकली और ज्यादा टेम्परेचर मतलब टेम्परेट साइक्लोन में हम लोग और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है. तो क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है वो स्ट्राटो क्यूमुलस होती है, निम्बो स्ट्रैटस होती है, क्यूमुलो निम्बस होती है, अल्टो स्ट्रैटस होती है, सीरो स्ट्रैटस एंड लास्टली सीरस हो जाती है. इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है और इस सब का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जब क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें. तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन. हम लोगों ने फ्रंट को लेकर के काफी डिटेल में डिस्कस किया. मॉर्निंग में हम लोगों ने एयर मास को लेकर के डिस्कस किया हुआ है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. कल हम लोग बात करेंगे अपने प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को लेकर के एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी विल स्टार्ट द साइक्लोन. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग साइक्लोन स्टार्ट ही कर देंगे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.